हेलो फ्रेंड्स आज हम एक से एक हजार तक के वर्ग निकालना सीखेंगे सो टुडे वी लर्न हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फ्रॉम वन टू थाउजेंड तो सबसे पहले हम टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना सीखते हैं सो टू डिजिट नंबर का सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं कोई एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लेता हूं मैं थर्टी फोर ठीक है अब थर्टी फोर का हमें स्क्वायर निकालना है, है? ठीक तो थर्टी फोर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? और फोर में बांट लिया अब हम क्या करेंगे हमें नाइन तक के या 10 तक के तो स्क्वायर आते ही है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फोर का स्क्वायर हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यहां पर फोर का स्क्वायर जो सिक्सटीन होता है अगर यहाँ पे टू डिजिट में नंबर नहीं आता है जैसे मान लीजिए थ्री का स्क्वायर नाइन होता है तो हम जीरो नाइन लिखेंगे मतलब यहां पे टू डिजिट में नंबर लेना है जैसे टू होता तो टू का स्क्वायर क्या होता होता तो जीरो फोर लेते हम यहां पे फोर का स्क्वायर सिक्सटी है और ये टू डिजिट में है तो इसलिए हम सिक्सटीन का सिक्सटीन पूरा लिख लेंगे और यहां पे क्या है थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन होता है तो नाइन को भी हम टू डिजिट में लिख लेते हैं जीरो नाइन ठीक इस तरह से हमने लिख लिया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम दूसरा कैलकुलेशन क्या करेंगे कि थ्री मल्टीप्लाई करेंगे फोर से और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे टू से यानी थ्री फोर दू दी फोर सो इसको हम एक डिजिट यहां से छोड़ देंगे और जो हमारा यहां का कैलकुलेशन आया थ्री फोर दू द ट्वेंटी फोर तो ये ट्वेंटी फोर जो आया तो इसमें एक डिजिट यहां पर छोड़ देंगे इधर की और इसके बाद में यहां पर ट्वेंटी फोर हम लिख देंगे और इनको एड कर देंगे तो देखिए बन गया ये आपका थर्टी फोर का स्क्वायर का आंसर आ गया सिक्स आ गया यहां पे फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव हो गया और यहां पे नाइन प्लस टू इलेवन हो गया ठीक है तो ये इलेवन फिफ्टी सिक्स हमारा थर्टी फोर का स्क्वायर यानी आ गया और ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें पांच छह सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है आपको ठीक है चलिए अब दूसरा नंबर लेते हैं दूसरा नंबर हम कोई ले लेते हैं मान लीजिए हम ले लेते हैं फिफ्टी सेवन ठीक है फिफ्टी सेवन अब फिफ्टी सेवन का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इस साइड में हम लिखेंगे सेवन का स्क्वायर यानी फोर्टी नाइन तो यहां पे सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन टू डिजिट में ही है और फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो फाइव का स्क्वायर हम यहां पे लिख देंगे ट्वेंटी फाइव ठीक है अब हमें क्या करना है दूसरा स्टेप हमें लेना है कि फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय टू यानी फाइव सेवन दर्टी फाइव टू द पांच सत्ते पैंतीस दूनी सत्तर और यहाँ पे सत्तर यानी टू क्या करेंगे हम इसमें एक डिजिट छोड़ देंगे और यहां पे लिखेंगे हम सत्तर ठीक है तो इस तरह से हम सत्तर लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो नौ का नौ आ गया चार और शून्य तो चार ही रहेंगे पांच और सात बारह हासिल का आया एक तो हासिल हम यहां पर जोड़ देंगे दो और एक तीन तो इस तरह से हमारा ये कितना हो गया तीन ये हमारा आंसर आ गया फिफ्टी का वर्ग ठीक है सत्तावन का वर्ग आ गया यानी स्क्वायर ऑफ सेवन इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन चलिए अब एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद वाले पे चलेंगे ठीक है तो अब करते हैं हम नेक्स्ट ले सिक्सटी फोर का स्क्वायर तो सिक्सटी फोर का स्क्वायर निकालना है कैसे निकालेंगे वही तरीका अपनाएंगे पहले हम इस तरफ फोर का और इस तरफ सिक्स का लिखेंगे फोर फोर दिक्कसटीन चार का स्क्वायर होता है सोलह तो यहां पे हम सोलह लिखेंगे और छह छत्तीस तो यहां पे हम छत्तीस लिखेंगे ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे हम छे को चार से गुणा करेंगे और उसको फिर दो से गुणा करेंगे तो छ चौके चौबीस और चौबीस दूनी अड़तालीस तो अड़तालीस को हम यहां पे लिख देंगे ठीक है क्योंकि हमें यहां पे एक डिजिट छोड़ना है ये ध्यान रखना है बिल्कुल तो यहां पे छह का छे आया आठ और एक नौ छ और चार दस का जीरो हाथ का आया एक तीन और एक चार तो ये कितना हो गया आंसर आ गया फोर जीरो नाइन सिक्स यानी चौसठ का वर्ग कितना हो गया चार हजार छियानबे अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते ले हैं टू डिजिट की एट्टी थ्री ठीक है एट्टी थ्री का स्क्वायर निकालते हैं तो एट्टी थ्री का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको भी ऐसे ही करेंगे यहां पे हम थ्री का स्क्वायर लिखेंगे इस साइड में और इस साइड में हम एट का स्क्वायर लिखेंगे तो थ्री का स्क्वायर अब देखिए तीन का स्क्वायर कितना होता है नो तो नो को क्या करेंगे हम दो अंकों में लिखेंगे यानी जीरो नो ये बात आपको ध्यान रखनी है तीन का स्क्वायर क्या होता है नो बट यहां पे तो दो अंकों में लिखना है तो तीन का नौ और आठ अट्ठे चौसठ ठीक है अट्ठू अट्ठू चौसठ तो चौसठ को हम यहां पे इसके बगल में यहां पे लिख देंगे अब हमें क्या करना है कि को तीन से गुणा करना है और जो आंसर आएगा उसको दो से गुणा करना है यानी आठ थी चौबीस और चौबीस दूनी अड़तालीस तो यहां से एक अंक छोड़ के और हम यहां पे अड़तालीस को लिख देंगे और इनको एड कर देंगे मतलब जोड़ देंगे तो ये नो और जीरो और आठ तो आठ ही हुए और चार और चार आठ हो गए और छह का छह छह आ गया तो छह हजार आठ सौ नवासी यह हमारा तेरासी का स्क्वायर हो गया ठीक है छह हजार आठ सौ नवासी अब एक और ले लेते ले हैं ले ले हम ठीक है एक और ले लेते ले हैं ले यहां पे यहां पे अभी जगह है तो एक हम ले सकते हैं तो यहां पे चौरानवे का स्क्वायर ले लेते हैं ठीक है कितने का नाइनटी फोर का स्क्वायर चौरानबे का स्क्वायर देखिए चौरानवे का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले हम उसको नौ और दोनों दो टुकड़े हैं अलग अलग चार का स्क्वायर हमने यहां लिखा सोलह यहां पे लिख दिया सोलह और नो का स्क्वायर नो नाम इक्यासी तो इक्यासी को हम यहां लिख देंगे ठीक है अब हमें क्या करना है इन तीनों का गुणा करना है नो का चार से वो जो आंसर आया उसका दो से तो नौ चौके छत्तीस और छत्तीस दूनी बहत्तर बहत्तर को हम कहा लिखेंगे यहां पर एक अंक हम छोड़ देंगे और यहां से लिखना शुरू कर देंगे बहत्तर यहां पर आ जाएगा अब हम इसको जोड़ देते हैं तो छह का छ आ गया दो और एक तीन आ गया सात और एक आठ आ गया और आठ का आठ आ गया तो इस तरह से ये देखा आपने कि ये आठ हजार आठ सौ छत्तीस जो है चौरानवे का स्क्वायर आ गया अब इसमें एक चीज और हम समझ लें कि इसको चौरानवे को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे ठीक है चौरानवे को हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे वो समझ लें ताकि आपको इससे तीन अंकों का कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम चौरानवे को देखिए दूसरा एक और तरीका है उससे हम समझ लेते हैं तो चौरानवे का हमें स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चौरानवे को देखेंगे कि चौरानवे में यहां पर कितना हम जोड़ें कि ये सौ के पास हो जाए ठीक है तो चौरानवे में अगर हम छह जोड़ते हैं तो ये सौ हो जाता है ठीक है लेकिन जब हम छह जोड़ेंगे तो हमें छह घटाना भी होगा क्योंकि इसको नलीफाई करना होगा तो छ जोड़ेंगे तो छह घटाना भी होगा अब हम देख रहे चौरानबे और छह चौरानबे और छह कितने हो गए सौ तो हम यहां पे लिख देंगे सौ चौरानबे और छह कितने हो गए सौ और मल्टीप्लाई करेंगे इसको चौरानबे में से छह को घटा के तो चौरानवे में छह घटा दें चौदह में से छह गए यहां पे बचे आठ ठीक है अब यहां से उधार लिया था तो ये आठ हो गए तो यहां पे क्या बच गया अट्ठासी हो गया ठीक है यहां पे अट्ठासी हो गया अब सौ गुना अट्ठासी यह हो गया हमारा एक साइड और दूसरा हम क्या करेंगे कि ये जो था जिसको हमने प्लस माइनस किया था तो का स्क्वायर छत्तीस हम यहां लिख देते हैं अब देखिए यहां पे क्या है बटे में हम सौ ले लेते हैं अगर हम बटे में सौ लेंगे यहां पर तो हम दो डिजिट यहां वाली जो भी आंसर यहां पे आएगा उसको दो डिजिट लिखेंगे अगर हम हजार लेंगे तो हम तीन डिजिट लिख सकते हैं यहां पे ठीक है अगर हम दस लेंगे तो एक डिजिट लिख सकते हैं ये हमें ध्यान रखना है बटे में सो है इसका मतलब यहाँ की हम दो डिजिट लेंगे हालांकि यहाँ पे दो डिजिट ही है लेकिन कभी कभी तीन डिजिट भी आ सकती हैं ठीक है थीके? तो तीन डिजिट आएंगी तो सिर्फ दो डिजिट लेंगे बाकी का जो तीसरा डिजिट बचेगा वो कैरी ओवर में लेंगे तो फिलहाल इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तो हम क्या करेंगे देखिए सो से सो कट गए अब यहाँ पे क्या बचा सिंपल सा यहाँ पे अट्ठासी बचा और यहाँ पे अट्ठासी का अट्ठासी लिख दिया और ये छत्तीस का छत्तीस देख दिया अगर इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी हो रहा है आपका तो ये हम थ्री डिजिट वाले में अप्लाई करेंगे तो अब हम करते हैं थ्री डिजिट के नंबर्स का शुरू करते हैं तो अब हम तीन अंकों का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं तो तीन अंकों में कोई भी एक नंबर पहले ले लेते हैं हम एक सौ तेरह ठीक है 113 का स्क्वायर निकालते हैं और ये पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये तीन अंकों का सीखना आपको बहुत जरूरी है ठीक है और इसमें एक एक एग्जांपल मैं बहुत ही तरीके से बताने वाला हूं तो 113 का स्क्वायर निकालना है तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको हम 100 के नजदीक लेके चलेंगे तो सौ के नजदीक है ये तो सौ के नजदीक है तो इसमें से कितना हम माइनस करें कि ये सौ बन जाए तो इसमें हम देख पा रहे हैं एक में से अगर हम तेरह माइनस करते हैं तो ये सौ बन जा रहा है माइनस तेरह किया तो हमें प्लस भी तेरह करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पे नलीफाई हो गया तेरह से तेरह अब हमें क्या करना होगा दूसरा एक्शन क्या करेंगे हम एक सौ तेरह में से तेरह घटाएंगे यहां लिख देंगे सौ गुड़ा में एक सौ तेरह में ये तेरह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तेरह तेरह छब्बीस और सौ ये थे ही, तो एक सौ छब्बीस हो गया अब यहां पर देखिए तेरा का स्क्वायर करना पड़ेगा तो तेरह का स्क्वायर होता है एक सौ उनहत्तर अब यहाँ पे बटे में हम सौ लेंगे बटे में सो क्यों लेंगे क्योंकि पे पे क्या है है दो दो जीरो जीरो हैं तो ये दो आसानी से कट जाएंगे और बटे बटे में में हमने लिए इसका कारण जितना लेंगे आप एक के ऊपर जितनी बिंदी होंगी उतने ही अंक यहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ पे हमने दो बिंदी एक के ऊपर कितनी है दो बिंदी है सौ पे दो बिंदी होती है तो यहाँ पे दो अंक ही हम अलाउ करेंगे इसमें दो अंक ले सकते हैं तीसरा वाला अंक हमारा हासिल में चला जाएगा तो ये सौ से तो सौ कट गया और यहाँ पे क्या बचा एक 20 और यहां पर ये 69 यहां पे दो ही अंक ले सकते हैं और एक कहां चलाया जाए जाएगा हासिल में चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका नौ छ छत और दो के दो और एक सौ सत्ताइस उनहत्तर तो देखिए कितना आसान हो गया चलिए एग्जाम्पल और करते हैं एक अब थोड़ा सा बड़ी, बड़ा अंक ले लेते हैं तीन तो तीन सौ उन्यासी मतलब थ्री सेवनटी नाइन थ्री सेवनटी नाइन का हमें स्क्वायर करना है तो थ्री सेवनटी नाइन में को हम चार सौ के नजदीक देख पा रहे हैं तो चार सौ के नजदीक है यानी अगर हम इसमें इक्कीस जोड़ते हैं तो ये चार सौ बन जा रहा है इक्कीस जब जोड़ेंगे तो इक्कीस घटाना भी पड़ेगा तो अब क्या हो गया अब हम क्या करेंगे एक बार इसको जोड़ेंगे इक्कीस को तो यहां पे तीन सौ उन्यासी में इक्कीस जोड़ा तो ये हो गया हमारा कितना चार सौ और फिर हम क्या करेंगे तीन सौ में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 में से एक गया तो कितना बचा 8 और यहाँ पे 7 में से दो गया तो बचा 5 और यहाँ पे 3 का 3 ठीक है और अब क्या करेंगे हम 21 का वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है इक्कीस इक्कीस हम चार होता है अब यहाँ पे 400 देख रहे हैं तो बटे में हम सौ लेंगे ताकि दो से दो जीरो कट जाएंगे और बटे में जब सौ लेंगे तो इसका मतलब हम दो अंक यहाँ पे ले सकते हैं बाकी का चार हमारा हासिल में चला जाएगा तो देखिए ये दो जीरो से दो जीरो कट गए चार से इसको गुणा कर दीजिए तो चार अट्ठे बत्तीस हाथ के आए कितने तीन ठीक है अब चार पंजे बीस और तीन तेईस हाथ के कितने आए दो अब चार किया बारह और दो चौदह तो ये कितना हो गया चौदह सौ बत्तीस हो गया और ये कितना था चार सौ इकतालीस अब इसमें से हम दो ही अंक ले सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा चौदह सौ बत्तीस तो ये रहेंगे और यहाँ पे चार ये है हासिल में चले जाएंगे इसके ऊपर ठीक है और इकतालीस ये आ गया तो इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक चार चार और दो छ और तीन का तीन और चार का चार और एक का एक तो इस तरह से यह आंसर आ गया कितना एक सौ तैतालीस छह सौ इकतालीस अब एक और लेते हैं हम नंबर अब नंबर हम लेते हैं पांच सौ छप्पन यहाँ पे ले लेते हैं हम पांच सौ छप्पन तो यहां पे पांच सौ छप्पन का हमें वर्ग करना है तो पांच सौ छप्पन का वर्ग अब देखिए पांच सौ छप्पन अगर हम इसमें से छप्पन घटाते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम रहेगी तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही ध्यान से समझना है छप्पन घटाएंगे तो छप्पन का वर्ग करना पड़ेगा और अगर छे के नजदीक ले जाते हैं तो चवालीस हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे तो चवालीस का वर्ग करना पड़ेगा तो दोनों ही मुश्किल काम होंगे इसलिए हम क्या करें कि इसको पांच में से इसको साढ़े पांच सौ बना देते हैं इसको साढ़े पांच सौ बना देते हैं ज्यादा आसान रहेगा तो इसमें छह माइनस कर दें और यहां पे छह प्लस कर दें इसमें ध्यान रखें आप इसमें पांच सौ साठ बना के भी कर सकते हैं ठीक है छह सौ बना के भी कर सकते हैं पांच सौ बना के भी कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो जो हमारा कैलकुलेशन हमें सरल लगे उस हिसाब से

अब देखिए यहां पर समझना है आपको यहाँ पर क्या है जीरो से जीरो कट गया ठीक है और पांच से इसको काट दीजिए तो ग्यारह बार कटा ग्यारह पंजे पचपन पांच एगम पांच पांच एगम पांच और यहाँ पे पांच धुनी दस अब दो से काट दो दो धूनी चार एक बचा सोलह हो गए दो अट्ठे सोलह और दो एक हम दो अब ग्यारह का दो सौ इक्यासी से तो बहुत ही आसान है आपको पता ही होगा देखिए दो सौ इक्यासी में अगर ग्यारह का गुणा करना है तो बिल्कुल आसान है क्या होता है कि देखिए एक का एक हम ज्यो का त्यो रख देंगे यहां पे नीचे और आठ और एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नौ और आठ और दो दस और कैरी ओवर का कितना है एक आया और दो का दो रखना है तो दो और एक तीन तो इस तरह से कर सकते हैं वैसे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह एक नवासी और ग्यारह और अठतीस मतलब तीस, तीस इंक्यानवे आएगा तो ये ग्यारह से गुणा भी आपने सीख सकते हैं इसमें तो देखिए कितना आया तीस इंक्यानवे आया तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा कितना आया था ये थ्री जीरो नाइन वन आया था और यहाँ पे कितना था छत्तीस तो थ्री जीरो नाइन वन और ये छत्तीस तो सीधा सीधा यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि दो अंक हमें उतारने थे यहाँ से तो तीन शून्य नौ एक तीन छ यही हमारा आंसर हो गया चलिए कुछ और भी कर लेते हैं ताकि आपके एकदम डाउट क्लियर हो जाए कोई भी डाउट ना रह जाए ठीक है तो अब हम एक नंबर ले लेते हैं नंबर ले, ले लेते हैं हम सेवन एट नाइन ठीक है सेवन एट नाइन सेवन एट नाइन का वर्ग निकाल के देखते हैं तो सेवन एट नाइन किसके नजदीक है देखिए सेवन एट नाइन अगर हम इसमें ग्यारह प्लस कर दें अगर हम इसमें ग्यारह प्लस कर दें तो ये आठ सौ बन जाएगा तो ग्यारह प्लस करेंगे तो ग्यारह माइनस भी करने पड़ेंगे तो अब सात सौ नवासी में ग्यारह जोड़ के यहां लिखेंगे हम आठ सौ और दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा सात सौ नवासी में से ग्यारह घटाने होंगे तो नौ में से एक गया तो आठ बचे आठ में से एक गया सात बचे और यहाँ पे सात आ गए और यहाँ पे क्या होगा दूसरा ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस हुआ तो एक सौ इक्कीस हुआ यहाँ आठ सौ है तो बटे में हम सौ ही लेंगे सौ लेंगे यानी दो जीरो है तो यहाँ पे दो अंक लेने पड़ेंगे एक हासिल में चला जाएगा अब हम इसको काट देते हैं तो दो जीरो से दो जीरो कट गए और आठ से इसको गुणा कर दीजिए तो अट्ठू अट्टू चौसठ छे बचे छह हासिल के आए तो आठ सत्य छप्पन और छह बासठ और छह आठ सत्य छप्पन और छह बासठ ठीक है इसको एक बार फिर से समझ लीजिए आठ अट्ठे चौसठ हाथ के आए छठ सत्य छप्पन और छह बासठ फिर आठ सत्य छप्पन और हाथ के छह आए थे तो छप्पन छह तो इस तरह से आ गया और ये यहाँ पे कितना था एक सौ इक्कीस था तो यहाँ पे एक सौ इक्कीस था लेकिन इसमें से हम दो अंक ही अलाउ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बटे में सौ है ठीक है तो यहाँ पे दो अंक लेंगे एक हासिल में चला जाएगा तो यहाँ पे हासिल में जाएगा तो क्या पोजिशन बन जाएगी छे दो चार और ये एक हासिल में ऊपर चला गया और यहाँ पे आ गया दो एक अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक दो चार और एक पांच और दो और दो और छह यानी ये हमारा आंसर आ गया कितना आ गया छह सौ बाईस और पांच सौ इक्कीस चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए देखिए अब एक एग्जाम्पल हम बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एक कोई अच्छा सा तो देखिए करते हैं हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल छह ठीक है 645 को वर्ग करना है तो इसको कैसे करेंगे देखिए 645 को वर्ग करना है तो 645 का मतलब क्या है ये साढ़े छह के नजदीक है क्योंकि अगर हम इस पे 700 पे ले जाते हैं तो हमें 55 प्लस करने होंगे और अगर 600 पे ले जाते हैं तो 45 माइनस करने होंगे ठीक है तो दोनों के वर्ग हालांकि आसान है पैंतालीस और पचपन के लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो बढ़ेगी तो टाइम लगेगा तो हम बेटर है कि इसको क्या करें साढ़े छह तो साढ़े बनाएंगे तो क्या करेंगे प्लस के पांच और यहां पर माइनस के पांच दो स्टेप लगेंगे होगा और माइनस भी होगा तो 650 और गुणा में, में पांच जोड़ा तो कितना तो मतलब 25 लिख देते हैं सीधा सीधा ठीक है अब देखिए अब यहां पे क्या करना है हमें बटे में सौ बटे में, में सौ लेंगे क्योंकि दो अंक लाने हैं तो बटे में सौ लाना ही होगा अब बटे में सौ लाने के साथ साथ अब आपको एक काम यहां पे स्मार्ट वर्क करना है क्या वर्क करना है स्मार्ट वो मैं बता देता हूं आपको देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आप दोनों जीरो दोनों जीरो से काट देते हैं मतलब ये जीरो इससे और ये जीरो इससे तो आपको पैंसठ और चौसठ का गुणा करना होगा तो ऐसे केस में क्या करा करें कि हम एक जीरो काटे मान लीजिए अगर हम ये एक जीरो काटते हैं क्योंकि यहां पर हम देख पाए एक फैक्टर है, है तो पांच जाएगा पूरा -पूरा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा अब तेरा बन गया तो पैंसठ से चौसठ का गुणा करना मुश्किल काम होता लेकिन तेरह को छह सौ चालीस या और भी संख्या हो तो भी आप आसानी से उससे गुणा कर सकते हो तो ये छोटी संख्या बन गई तो अब इससे इसको आसानी से लेकिन अभी दो बच गया तो दो को भी दो तीन छ दो दूनी चार दो जीरो जीरो और छोटी संख्या हो गई तो अब देखिए और आसान काम हो गया तो तेरह से इसको गुणा करिए तो तेरह जीरो जीरो और तेरह दूनी छब्बीस के छह हाथ क्या है दो और तेरह तीन उन्तालीस और दो इकतालीस यानी कितना हो गया ये हो गया चार एक छह शून्य और ये दो अंक थे यहां पे क्योंकि हमने बटे में सौ लिया था इसलिए दो अंक के दो अंक पूरे आ जाएंगे और ये आंसर आ गया तो देखिए इसको अगर आप इस तरीके से करते पैंसठ गुणा चौसठ तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो कैलकुलेशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है और आई थिंक मैंने इतने एग्जाम्पल समझा दिए हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप आसानी से ए, एक से नौ तक भी अगर आपको याद है तो आप आसानी से जो है ग्यारह से लेकर और एक तक के सारे संख्याओं के वर्ग आसानी से कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और किसी भी वर्ग में एक से लेकर एक हजार तक के किसी भी वर्ग में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें मैं और एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीखें ठीक है तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू थैंक यू वेरी मच